हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बिस्तर में कवर डाल रही हूँ। धोई थी ना तो नहीं डाल पाई थी और ये बिस्तर बहुत ज़्यादा ही भारी है, जल्दी मैं इसको उठाती नहीं हूँ। जब भी मैं उठाती हूँ ना तो मेरे पेट वेट में दर्द हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही हैवी है। तो बस हमने इसको डाल दिया है अच्छे से और बेड पे मैंने बिस्तर को बिछा दिया है और झाड़ू लगा लेती हूँ। और अंदर का रूम का झाड़ू उड़ू लगाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उसको मैं सेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू लगाऊँगी, झाड़ू पोछा। तो जो भी सामान थे ना इधर उधर सब मैंने सेट कर दिया है, अब मुझे झाड़ू लगाना है। और कल हस्बैंड सब्जी लेके आए थे तो बस ऐसे ही था, तो उसको मैं टोकरी में पोलोथीन से निकाल के टोकरी में रख देती हूँ। और यहाँ मौसम्बी भी लेके आए थे तो ये यहाँ टोकरी में रख देती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो सब जगह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा ओछा लगाऊँगी। तो सब जगह मैंने झाड़ू उड़ू लगा दिया है, सामान को मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सब जगह मैं पोछा उछा लगा लेती हूँ। और सुबह जल्दी उठने से ना काम बहुत जल्दी ही हो जाता है, आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। तो यहाँ मॉर्निंग में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग का 5:30 हो रहे हैं। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा मॉर्निंग का पूजा हो गया है, तो यहाँ पे मैं नमकीन के साथ चाय ले लेती हूँ क्योंकि कल हमारा मंडे का फास्ट था ना, तो अभी तो मैं खाना वाना नहीं बनाई हूँ, बस चाय बनाई हूँ, साथ में नमकीन ले लेते हैं, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पे। और आदित्य एंड अजय चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मॉर्निंग का हमारा क्लीनिंग का जो काम था ना हो गया है और मैं नहा धो के पूजा वूजा भी कर ली हूँ। हमारा पूजे का दीपक जल ही रहा है और आज मैंने ये वाला फ्रॉक पहना, ये वाला। चलिए और अभी चलिए टाइम दिखा देती हूँ। अभी टाइम देखिए 7:45 हो रहे हैं, 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। तो कल मेरा मंडे का फास्ट था तो इसलिए उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा के पूजा कर ली हूँ। अभी तक खाना नहीं बनाई हूँ और चाय और नमकीन का मैंने नाश्ता कर लिया है। तो यहाँ पे बर्तन आ गई हूँ मैं धोने के लिए। मॉर्निंग में कल मेरा मंडे का फास्ट था ना, तो मैं रात को ना जो बच्चे खाए थे ना, हस्बैंड खाए थे, तो मैं बर्तन नहीं धोई थी। तो अभी मैं धो रही हूँ, कुछ बर्तन थे, थाली प्लेट जो भी थे ना, कल मैं नहीं धो पाई थी, मुझे बिल्कुल धोने का मन नहीं था, बिल्कुल एकदम हाथ पाँव में ना दर्द टाइप हो गया था, तो इसलिए मैं कल नहीं धोई थी। तो आज मॉर्निंग में कुछ बर्तन थे तो उसको मैं धो लेती हूँ। और रात को मैंने किचन क्लीनिंग कर दिया था, फिर भी मॉर्निंग में एक बार मैं पोछ लेती हूँ। फिर यहाँ पे फिर चाय वाय बनाई थी ना, तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी आप बनाते हो ना तो थोड़ा सा मैसी हो जाती है, तो एक बार फिर से मैंने अपने किचन को डीप क्लीन कर लिया है। तो ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है क्योंकि रात को भी मैंने साफ़ सफाई कर दिया था किचन का। तो देखिए फाइनली हमारा मॉर्निंग का किचन क्लीनिंग हो गई है। बर्तन धोना था, कुछ 2-4 प्लेट थे और गैस स्टोव को पोछना था। तो बस देखिए कितना चकाचक हमारा किचन हो गया है, तो जितने भी बर्तन थे सब कुछ धुल गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, अब खाना वाना बनाऊँगी और अभी बच्चे को नहीं जगाई हूँ, तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चे को जाऊँगी जगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल धोने के बाद यहाँ पे मैं पानी नाप रही हूँ अपनी उंगली की सहायता से कि कितना पानी चाहिए।
तो आपकी बीच वाली जो उंगली है ना, वो बीच वाली उंगली का जो बीच वाला गांठ है ना, निशान है, उतना ही मैं पानी लेती हूँ और एक सीटी आने तक मैं इसको पकाती हूँ। चावल जो है एकदम पूरा परफेक्ट बनता है। और अगर आप गिलास से बनाते हो ना चावल, तो जैसे 2 गिलास चावल ले रहे हो ना, तो 4 गिलास पानी इसमें आपको डालना पड़ेगा। और 1 गिलास से चावल ले रहे हो तो 1.5 गिलास पानी आपको डालना पड़ता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बच्चे को जगाने के बाद दोनों को मैं ब्रश करवा देती हूँ, फिर दोनों को नहलाने जाऊँगी, फिर स्कूल के लिए तैयार वैयार करवाऊँगी। तो अभी बस 7 बज गए हैं, टाइम 7 हो गया है, तो यहाँ पे बस बच्चे को मैं जल्दी से तैयार वैयार कर देती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए आदित्य अजय को मैंने नहला दिया है, तो सर में तेल लगा देते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह पहना देते हैं, स्कूल के लिए प्रॉपर तैयार कर देती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे आदित्य अजय दोनों को तैयार कर दिया हूँ। और देखिए अजय क्लास के लिए बैठ गया है यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पे अजय का क्लास हो रहा है, अंदर आदित्य का क्लास हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कल मंडे का फास्ट था ना, तो फ्रूट लाए थे, तो यहाँ पे कुछ फ्रूट थे, तो दोनों के लिए मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। वो यहाँ पे अमरूद था और केले थे, तो इस तरह से काट के काला नमक मैंने छिड़क दिया। और मॉर्निंग में एक बार चाय बनाई थी, तो अभी हस्बैंड को एक बार फिर से चाय पीने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे बस मैं बना के गिलास में छान लेती हूँ और अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए आप सभी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय पीते पीते सब्जी भी कट कर लूँगी। तो आज हमारा 2 बार चाय हो गया है। वैसे हम सबका चाय का लत नहीं है, मगर कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। पर ना अजय का मैं हेल्प कर रही हूँ, इसलिए हेल्प कर रही हूँ कि कल ना रात को अजय को ना हनी बी काट लिया था, जो मधुमक्खी होती है ना, वो उंगली में अजय को काट लिया था, तो उसका उंगली जो है ना सूज गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अजय को हेल्प कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए। तो तेल डाली हूँ, इसके बाद जीरा डाली हूँ, उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च और प्याज डाल देती हूँ। और जैसे ही प्याज पिंक कलर हो जाएगा, इधर मैं आलू भी कट कर रही हूँ, तो हमारा 50% प्याज पक गया। उसके बाद इसमें मैं चना डाल दूंगी, रात को ही मैं फूलने के लिए छोड़ दिया था चने को, तो इसको हम भूनते हुए पकाएंगे। उसके बाद इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं आलू डाल देती हूँ और उसको मैं ढक के पकाऊंगी कम से कम 1-1.5-2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे बस यहाँ देखिए मसाला दिखा रही हूँ, तो अदरक है, लहसुन है और 1 छोटा चम्मच जीरा है और 2-4 से 5 काली मिर्च है, तो उसका मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे देखिए काली मिर्च में ले रही थी, तो ये अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो 1 से 1.5 मिनट तक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चना और आलू अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी और जो हमने मसाला भी तैयार किया अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने अभी मसाला तैयार किया ना, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा जार को मैं धो के डाल देती हूँ और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर तीनों जो रेगुलर के जो मसाले होते हैं उसको मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और
तो आधे चम्मच में धनिया पाउडर डाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो तोरी है ना, तोरी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मिर्ची जो है स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि मैं हरी मिर्च भी इसमें काट के मैं डाली थी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये तोरी जो हमने काटा है ना, उसको भी डाल देते हैं। और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, ये तोरी जो है पानी छोड़ता है। तो बस हल्का फल्का अगर ज़रूरत पड़े ना कि पानी की इसमें ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। ऐसे तोरी जो है पानी छोड़ता है। तो इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे, बस हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।